हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हेनरीज लॉ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, ग्राफ, कैसा ग्राफ आता है, कैसे पता चलता है कि स्लोप क्या होगा, एंड उसके लिमिटेशंस। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो होंगे हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल। ओके, और न्यूमेरिकल समझने के लिए यू हैव टू लर्न फर्स्ट थ्योरी पार्ट। ओके, अब यू हैव टू लर्न द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कि भाई क्या होता है और क्या कहता है ये, व्हाट इट डील अबाउट। ओके, सो आई होप सो आपने पढ़ लिया। नहीं पढ़ा है तो आपको पहले हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पढ़नी है, वरना आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। ओके, चलिए तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है, अच्छा, एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात, देखिए, आई होप सो आपने न्यूमेरिकल, आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है हेनरीज लॉ का, है ना? और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को करना है पॉज। क्यों करना है पॉज? देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका साइंटिफिक लैंग्वेज आपको समझाऊंगी और उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी, है ना? तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन आता है तो आप मेरा वेट क्यों कर रहे हो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊं, आपको क्वेश्चन समझाऊं? आप इसे खुद ट्राई कीजिए ना। तो आप न्यूमेरिकल को पॉज की सॉरी वीडियो को पॉज कीजिए और इसका खुद अर्थ निकालिए। बेसिकली आपको इसका खुद एक्सप्लेनेशन ढूंढना है कि ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ओके, और अगर आप फिर आप वीडियो को दोबारा चलाइए और चेक कीजिए कि मेरा और आपका एक्सप्लेनेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना कि आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे टीचर पे हमेशा, आपको खुद पता चलेगा कि भाई मुझे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। ओके, पर अगर आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको इतने अच्छे से नहीं पता चला, तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हेनरीज लॉ। अच्छा, मैंने यहाँ पे पिंक कलर में क्या लिखा है भाई, ये मैंने लिखा है कि भाई एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कि कई बार बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हुए ही नहीं, तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हम उठाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन केस अगर आपको ये जानना है तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर सोल्यूशन ऑफ मिथेन इन बेंजीन इज 4.27 × 10⁵ एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मिथेन इन बेंजीन अंडर 760 mmHg एट 298 केल्विन टेम्परेचर। देखिए कह रहा है, कह रहा है जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है बेंजीन के लिए ऑफ मिथेन इन बेंजीन वो इतना है। आप इस एक एक लाइन को पढ़िए, यानी कि जो आपको वैल्यू दिए क्या दिए, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। आपको याद होगा सिंबल हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट का, है ना? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा था, क्या सिंबल होता है इसका, मैं यहाँ लिख देती हूँ KH। तो ये आपको हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट दे दिया। टेम्परेचर की शायद ज़रूरत ना पड़े, पर चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मिथेन इन बेंजीन, अब उसने सोल्युबिलिटी पूछा है। देखिए एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है वो। अच्छा, मिथेन इन बेंजीन अंडर 760 mmHg, तो ये क्या दे रखा है आपको, mmHg क्या होता है, mmHg कुछ नहीं होता, प्रेशर की यूनिट होती है। देखिए मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्योंकि उनको यूनिट्स बहुत अच्छे से आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? तो यूनिट पे आपको बहुत बहुत फोकस करना है। mmHg प्रेशर की यूनिट है, तो ऑब्वियसली प्रेशर ही होगा ना, तो आपको प्रेशर दे रखा है, पी ए दे रखा है, ठीक है? कोई भी गैस अगर प्रेशर हो, मिथेन दे रखा है, या बेसिकली पी लिख लीजिए आप इसे। अब अप्लाई कीजिए हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या पढ़ा था हमने, कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो KH इंटू XA होता है। प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मोल, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। देखिए आपको तो मोल फ्रैक्शन पता है ना, आपको सोल्युबिलिटी तो पता ही नहीं, तो सोल्युबिलिटी कहाँ से आ गई? अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है और अगर आपको हेनरीज लॉ का आता है तो आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर हेनरीज लॉ के केस में सोल्युबिलिटी जो है वो वेपर मोल फ्रैक्शन से डिफाइंड होती है। तो ये जो सोल्युबिलिटी दे रखी है बेसिकली आप सोल्युबिलिटी जो आपसे पूछी गई है, क्या पूछा गया है, ये आपसे मोल फ्रैक्शन ही पूछा है। सोल्युबिलिटी कई तरीके से पूछी जा सकती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मगर हेनरीज में, हेनरी लॉ में सोल्युबिलिटी जनरली मोल फ्रैक्शन को डिनोट करती है, तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ओके, बस लगा दीजिए सिंपल, प्रेशर ऑफ गैस ए आपको कितना दे रखा है, 760 mmHg, KH की वैल्यू आपको दे रखी है 4.27 × 10⁵। और सोल्युबिलिटी यानी कि एक्स आपको निकालना है, बस सिंपल, कोई यूनिट नहीं आएंगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन कोई कोई यूनिट होती नहीं। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा ये होगा,
चलिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर टू है. H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस. इट्स सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP 0.195 मोलल. कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट. बेसिकली आपको बोला गया है कि एक H2S गैस है जिसका रॉटन लाइक एग लाइक स्मेल है और क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है. अभी तक तो हमें इसका कोई काम नहीं आया, ठीक है. आपको बोला कि सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP 0.195 अगर है मोलल, तो आपने हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है. देखिए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. हमें पता है कि जो हेनरीज लॉ है वो कहता है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो अगर आपको केएच निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए. आपको प्रेशर चाहिए और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस चाहिए, ठीक है. एस गैस क्योंकि H2S है तो मैं H2S लिख देती हूँ. तो प्रेशर ऑफ H2S किसके इक्वल होगा, KH इंटू एक्स ऑफ H2S. ओके, पहली बात. नाउ अब आपको प्रेशर भी नहीं दे रखा, वैसे तो देखा जाए तो मुझे तो नहीं दिख रहा अभी तक, और आपको मोल फ्रैक्शन भी नहीं दे रखा, तब कैसे निकालेंगे. देखिए, बात ध्यान रखिए कि STP में प्रेशर फिक्स होता है. तो उसने आपको प्रेशर नहीं दिया, पर उसने क्योंकि बता दिया कि STP है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, और उसके अंदर जो रिसेंट चेंजेस हुए, मतलब रिसेंट तो नहीं, बहुत पहले ही हो गए थे, STP के अंदर जो प्रेशर है वो दिया जाता है एट STP प्रेशर इज 1 bar. तो उसने डायरेक्ट 1 bar नहीं बोला, उसने आपको कंडीशन दे दी. यानी कि अगर आपको कंडीशन नहीं पता होगी, आपको नहीं पता होगा कि STP में टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं होने वाला. तो याद रखना कि STP में प्रेशर 1 bar होता है. आगे वो कह रहा है, चलो प्रेशर तो हमें पता चल गया 1 bar. आगे वो कह रहा है कि 0.195 मोलल इसके सोल्युबिलिटी है. देखिए, सोल्युबिलिटी हमें तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में पता है ना. हमको मोलैरिटी या मोलैलिटी तो नहीं दिया होता और ना हमें चाहिए होता है, तो अब हम क्या करें. तो एक काम करते हैं, इस मोलैलिटी को हम मोल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. पहले इसको डिकोड करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, 0.195 मोलल का मतलब क्या है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं सॉल्यूशन की, तो आपको पता होगा कि इसको डिकोड कैसे करते हैं. अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको डिकोड खुद कीजिए, ठीक है. वरना आप यहाँ देख सकते हैं 0.195 मोलल, एम मतलब मोलल, और इसका मतलब है 0.195 मोल्स ऑफ सल्यूट. अब सल्यूट क्या है, यहाँ पर H2S है ना गैस. मोल्स ऑफ H2S डिजॉल्व इन मोलैलिटी में सॉल्वेंट कितना लेते हैं, 1 kg सॉल्वेंट, मतलब वाटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 0.195 मोलल. यहाँ से हमें दो चीज़ें आपको पता चली. पहला, H2S के नंबर ऑफ मोल्स कितने और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये तो खैर आपको निकालना ही पड़ेगा. लगाइए फॉर्मूला, गिवन मास ओवर मोलर मास. गिवन मास है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम और मोलर मास है 18 यानी कि 55.5 मोल. तो आपको वाटर के भी मोल पता चल गए और H2S के भी पता चल गए. तो आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. बस कर दीजिए फॉर्मूला पुट, वैल्यूज पुट. यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो होगा वैल्यू आएगी 0.0035. आ गया, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S. अब आपको निकालना है KH. तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ H2S विल बी KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S. दिस मीन्स KH इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2S ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S. प्रेशर ऑफ H2S STP में कितना लेना है, 1 bar, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S ये था 0.0035. तो यहाँ से आपका सॉल्व करके आएगा 285.7 bar. ओके, तो इस पूरे न्यूमेरिकल में आपको क्या ध्यान रखना था कि भाई STP की कंडीशन क्या होती है, और 0.195 मोलल हो तो उसको डिकोड कैसे करना है, और वहाँ से मोल फ्रैक्शन पे कैसे पहुँचना है. ओके, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 और ये इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 7 है. ओके, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 7. ओके,
क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सी ओ टू इन वाटर इज इतना, तो ये आपको क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है ना, ये क्या है, ये आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सी ओ टू इन वाटर। अब तो कहाँ लिखूँ, इसको जगह नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं कि भैया ये हमारा के एच है। ओके नाउ के एच एट 298 केल्विन, टेम्परेचर की तो जरूरत होती नहीं वैसे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सी ओ टू इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर अंडर 2.5 एटमोसफेयर सी ओ टू प्रेशर। 2.5 एटमोसफेयर सी ओ टू प्रेशर, अब भाई ये क्या चीज़ है, ये है सी ओ टू, क्या है गैस, तो गैस का प्रेशर है, यानी कि हमारा वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी ओ टू आपको 2.5 दे रखा है, प्रेशर ऑफ सी ओ टू इज 2.5 एटमोसफेयर में। ओके नाउ द कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सी ओ टू, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ सी ओ टू। अब भैया ये क्वांटिटी क्या होती है, हमने तो मोल फ्रैक्शन पढ़ा है। देखिए क्वांटिटी जब आए ना वर्ड, आपको मास निकालना है, ध्यान रखिएगा आपको मास ऑफ सी ओ टू निकालना है, क्वांटिटी का मतलब मास है, ठीक है। नाउ आपको 500 ml दे रखा है जो बेसिकली सोडा वाटर, तो 500 ml हम मान लेंगे कि हमारा सोडा वाटर का मान लेंगे क्या है, ml किसकी यूनिट होती है। अब बच्चे कई बार कहते हैं 500 क्या है, अरे भाई 500 मत देखो, उसकी यूनिट देखो, वैल्यू इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी उसकी यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट में क्या लिखा हुआ है, ml, तो ml किसकी यूनिट होगी, वॉल्यूम की होगी ना, ठीक है। तो 500 ml आपको बेसिकली वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर है। हम मान लेंगे कि वाटर सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी इतना ही है, क्योंकि गैस एक्चुअली बहुत कम डिजॉल्व होती है, तो 500 वैसे सॉल्यूशन का है, मगर हम गैस को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 500 हम सॉल्वेंट का मान लेते हैं क्योंकि गैस की अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं गिवन क्या है, केएच दे रखा है 1.67 × 10⁻¹⁸ पास्कल, और आपको प्रेशर ऑफ सी ओ टू दे रखा है, कहाँ गया ये रहा, 2.5 एटमॉस्फेयर। भैया ऐसा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि केएच जो है वो पास्कल में है और सी ओ टू का भाई एटमॉस्फेयर में है, देखो हैं दोनों ही प्रेशर मगर यूनिट चेंज हो गई। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि दो अलग अलग यूनिट लेके आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा काम पता है क्या करना पड़ेगा, या तो पास्कल को एटमॉस्फेयर में करो या एटमॉस्फेयर को पास्कल में करो, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, मैं एटमॉस्फेयर को पास्कल में कर देती हूँ, तो 2.5 एटम। अब यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या आपको याद रखना पड़ेगा, कन्वर्जन, तो 1 एटमॉस्फेयर हमेशा इक्वल होता है 101325 पास्कल के, सही है। तो आप 2.5 एटमॉस्फेयर को इसमें कन्वर्ट करो, तो आप लिखोगे 2.5 × 101325 पास्कल। यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, इतना ही छोड़ देते हैं, कुछ तो आएगा ही, देखा जाएगा क्या आएगा, ठीक है। अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या आएगा, मतलब आएगा ज़रूर कुछ। ओके तो ये आपका प्रेशर ऑफ सी ओ टू हो गया। नाउ कितना लिखा है, 2.5 × 101325 नाउ पास्कल में आइए, प्रेशर पता है, केएच पता है, आपको मास नहीं पता। देखो मास आप डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हेनरी में मास आई नहीं, हेनरी में तो मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी लिख के दे रही हूँ जो आपको अप्लाई करनी है, क्या करना है आपको, देखिए पहले आप निकालो मोल फ्रैक्शन सी ओ टू का, यानी कि पहले आपको मोल एक्स ऑफ सी ओ टू निकालना है, उसके बाद एक काम करना आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू निकालना, और नंबर ऑफ मोल्स को तो आप मास में कन्वर्ट कर लेते हो, तब आपने निकालना है मास ऑफ सी ओ टू। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर हम उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो हेनरी लॉ लगाते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं प्रेशर ऑफ सी ओ टू के एच इंटू, कहाँ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू होता है, तो प्रेशर ऑफ सी ओ टू को मैं ऐसे लिख देती हूँ 2.5 × 101325। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू निकालना है ना, तो इसको यहाँ रखते हैं और के एच को नीचे ले जाते हैं, के एच कहाँ गया, ये रहा 1.67 × 10⁻¹⁸। तो यहाँ से आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू आएगा वो होगा 1.5 × 10⁻³ - 3, यूनिट नहीं होती कोई मोल फ्रैक्शन की। नाउ अब आप कहोगे मोल फ्रैक्शन तो आपने निकाल दिया, मगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसकी भी एक बहुत सही ट्रिक है, ट्रिक तो क्या है, सिंपल फॉर्मूला ही है वैसे, तो ट्रिक तो नहीं बोलना चाहिए। चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया आपने, अब आप इसको देखो कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू प्लस वाटर,
देखिए यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, देखिए जो गैस होता है ना वो बहुत उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है, सोल्युबल होती है मगर वो जनरली इतनी ज़्यादा सोल्युबल नहीं होती, क्योंकि गैस जो है वो उनकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है इसलिए। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप नीचे वाला जो CO2 है उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो तब भी आंसर निकल जाएगा, पर मैं थोड़ा सा ईजी करने के लिए कैलकुलेशन को नीचे वाले CO2 को नेगलेक्ट कर देती हूँ। तो अब आपको मिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि CO2 का अमाउंट वैसे ही बड़ा कम ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको अमाउंट कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है कि नहीं, तो आप यहाँ से निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, थोड़ा खिचड़ी पकड़िए, बट आई होप सो आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, अब एक और दिक्कत है भाई, उसके लिए तो आपको गिवन मास और मोलर मास चाहिए होता है, पर आपको मास तो दे ही नहीं रखा, आपको दे रखा है 500 ml यानी कि वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो 500 ml है ना, क्योंकि जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी 1 होती है, रूम टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी 1 होती है। अब डेंसिटी 1 का मतलब पता है क्या होता है, देखिए डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम होता है ना, तो अगर किसी की डेंसिटी 1 हो जाए तो इस बार का मतलब पता है क्या है, कि उसका वॉल्यूम उसके मास के बराबर होगा, है ना। तो वॉल्यूम अगर 500 ml है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उसका मास भी 500 g ही होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये रहा कहानी, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं तो गिवन मास आप 500 लोगे और मोलर मास तो आपको पता ही है 18 होता है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27.78 मोल्स। समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है। दोबारा देखिए, आपको 500 ml ऑफ वाटर दे रखा है, तो पहले तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई जो सोल्यूशन है वैसे तो 500 ml का है, पर गैस क्योंकि बहुत कम है तो जहाँ सारा का सारा सॉल्वेंट ही मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं सोल्यूट के अमाउंट को, तो 500 ml हमारा वाटर है। बट अब बात आती है कि वाटर का ml थोड़ी चाहिए आपको, वाटर का वॉल्यूम नहीं चाहिए आपको, वाटर का मास चाहिए, तो आप मास कैसे निकालेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि भाई डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, पर वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 होती है रूम टेम्परेचर पर, तो उस केस में वॉल्यूम और मास बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर 500 ml है तो बेसिकली मास 500 ml है, ग्राम है, तो यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले 27.78। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, सॉरी ये वो तो आपको पता ही है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है, अभी निकाला आपने 1.5 × 10⁻²। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नहीं पता, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अभी आपने निकाला 27.78, ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे, ये आएगा 42.14 × 10⁻³ मोल, सही है। नाउ अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर थोड़ी चाहिए आपको, CO2 थोड़ी चाहिए आपको, आपको तो मास चाहिए ना। तो मोल फ्रैक्शन से पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स से अब हम मास निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास का रिलेशन सोचो क्या होता है, याद आया, अगर आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो मोल्स होते हैं गिवन मास और मोलर मास, यानी कि अगर आपको मास निकालना है सिंपल मास तो वो होगा मोल्स इंटू मोलर मास होगा ना। नाउ अब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने निकाले हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिख देते हैं, और मोलर मास CO2 का कार्बन का होता है 12, इसका होता है 16 × 16 = 32, 32, तो ये आपके पास आया 44 g, ये मोलर मास चल रहा है CO2 का, तो 44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 में पीछे से देखती हूँ, 42.14 × 10⁻³ कर दो पुट, 42.14 × 10⁻³ − 3 × 44, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.8 g। ओके नाउ ये आपका आंसर आ गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके द पार्शियल पार्शियल ऑफ इट है, ओके इट्स पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड
सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन इज इतना, ओके आपको बोला हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का जिसमें इतने ग्राम इथेन अगर है, अमाउंट ऑफ इथेन दे रखा है आपको, उसका पार्शियल प्रेशर 1 bar है, हो गई बात ना। इधर सोल्यूशन कंटेन इतने ग्राम ऑफ इथेन कहता है, अगर सोल्यूशन में इतने ग्राम इथेन होता तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अगर आप ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो तो आपको उसने मास दे रखा है इथेन का और उसने आपको पार्शियल प्रेशर पूछा है, पर सीधी सी बात है कि आप कैसे निकाल सकते हो, आपको तो यही नहीं पता है कि हेनरीज कांस्टेंट क्या है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बिना तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं बात। तो इस वाले पॉइंट में आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं पता, तो एक्चुअली ना जो पहली वाली लाइन उसने दे रखी है क्या वो फालतू में दे रखी है, नहीं। तो पहले वाली लाइन से हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालेंगे और उसको अपनी सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड लाइन में पुट करेंगे, ओके अब आप कहोगे कि यार हेनरीज लॉ में तो मोल फ्रैक्शन यूज़ होता है, पर यहाँ तो उसने मास दे दिया, और हैरानी की बात है कि उसने सॉल्वेंट वॉल्वेंट भी कुछ नहीं दिया कि चलो हम कुछ और ही दिमाग लगा लें अपना। तो आपको याद करना पड़ेगा कि हेनरीज लॉ की एक फॉर्म ऐसी भी है जो मास को डील करती है, मोल फ्रैक्शन को नहीं, है ना। हमने हेनरीज लॉ की 3 फॉर्म पढ़ी थी, एक्चुअली लास्ट वाली दो तो सेम ही थी, पहली वाली अलग थी। तो मैं लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, और मास वाली कौन सी फॉर्म थी, हेनरी कहता था और कहता है अभी भी कि मास ऑफ गैस, मास ऑफ एनी गैस डिजॉल्व, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि पी, यानी कि एम इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, के एच क्या होता था यहाँ पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ओके। तो मास आपको कितना दे रखा है पहले वाली इक्वेशन में, 6.56 × 10⁻²⁻², तो आपको प्रेशर, आपको मोल्टेक्शन लगाना ही नहीं है, आपको मास लगाना है। अब यहाँ से आप के एच निकालो, क्योंकि तो प्रेशर आप कितना दे रखा है, 1 bar। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई एक बात बताओ, आप पहली वाली इक्वेशन का हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये इसमें पुट कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो आप। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या सेम होगा दोनों के लिए, हाँ सेम होगा, क्यों, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखो ना, पहली वाली इक्वेशन में उसने क्या बोला हुआ है, इथेन, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी वो क्या निकाल रहा है, इथेन, इथेन ही बोल रहा है ना, तो गैस तो सेम है, कि गैस तो सेम है तो पार्शियल, सॉरी गैस क्योंकि सेम है तो के एच दोनों का ही सेम होगा, तो पहले वाले पॉइंट से हम के एच को उठाएंगे और अपने दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर एक जगह इथेन एक जगह मिथेन होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं कर सकते थे, बात ना बनती, क्योंकि दोनों का हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी चेंज हो जाता, बट लकीली यहाँ पे दोनों ही गैस सेम है तो दोनों का हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी सेम है। तो यहाँ से आप के एच निकालो, 6.56 × 10⁻²⁻², ही आ जाएगा, ओके बार इन्वर्स आएगा, क्यों, क्योंकि बार जब इधर जाएगा तो बार इन्वर्स हो जाएगा, ओके नाउ अब आपने क्या करना है, इसको अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। क्या कह रहा है वो, इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम ऑफ इथेन, कह रहा है अगर हमारे सॉल्यूशन में, अब अगेन आप पुट देखो कि आपको मास कितना दे रखा है, 5.0 × 10⁻²⁻², निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, तो कर दो पुट, मास इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, मास 5.0 × 10⁻²⁻², के एच आपने अभी निकाला 6 point, ये रहा आपका के एच, 6.56 × 10⁻²⁻², प्रेशर ये तो निकालना है। तो यहाँ से आपके पास प्रेशर आएगा 5.0 × 10⁻²⁻² ओवर 6.56 × 10⁻²⁻². मैंने इसका वैल्यू नहीं लिखा, वैल्यू के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता, तो मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। यूनिट इसके बार होंगी, क्यों बार होंगी, क्योंकि के एच भी बार में चल रहा है, ओके तो इसकी यूनिट सेम ही रहेंगी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, ओके क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर, अज्यूम नाइट्रोजन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 0.987 bar। देखिए आपको कह रहा है कि भाई अगर आपके पास 1 liter वाटर हो और नाइट्रोजन का प्रेशर इतना हो, तो ये 0.987 bar क्या है भाई, बार तो प्रेशर ही होता है, ठीक है, तो किसका प्रेशर है, नाइट्रोजन का, तो दिस इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। केएच तो खैर आपको पहले से ही दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है, केएच भी दे रखा है, प्रेशर नाइट्रोजन भी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा, पूछा है हाउ मेनी मिलीमोल्स, भाई मोल्स तो हमको पूछा नहीं जाता हेनरी में, हेनरी में तो हमें मोल फ्रैक्शन दिया होता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और फिर मोल फ्रैक्शन से मोल्स,
चलिए तो हेनरी लॉ अप्लाई करें अगर, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू हेनरी कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन देन नंबर ऑफ मोल्स. तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन KH का वैल्यू, अच्छा प्रेशर नाइट्रोजन तो हमको दिया ही था, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.987 बार, KH इज 76480 बार. यहाँ से एक्चुअली बार बार कट जाएगा और एक्स एन टू. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू 0.987 ओवर 76480. ये आंसर आएगा आपका 1.29 × 10⁻⁵, यूनिट इसकी कुछ होती नहीं. अब मोल फ्रैक्शन को ओपन करो, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. देखिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ना बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था गैस बहुत लिटरली लिटल डिजॉल्व होती है, तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो. आप ऊपर नहीं कर देना नेगलेक्ट, नेगलेक्ट आप हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में करते हो, ठीक है. कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपये, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, आपके पास 1 करोड़ रुपये है, मेरे पास 1 रुपये है, तो मेरा 1 रुपये नेगलेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके 1 करोड़ के सामने, क्योंकि 1 रुपये का वैल्यू बहुत छोटा है. मतलब ऑब्वियसली पैसा छोटा बड़ा तो नहीं होता, बट वैल्यू छोटी बड़ी नहीं होती, बट नेगलेक्ट किया जा सकता है दूसरे के कंपेरिजन में, है ना. 1 करोड़ के सामने 1 रुपये तो नेगलेक्ट कर ही सकते हो ना आप, ठीक है. तो नाइट्रोजन के मोल्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं वाटर के मोल्स के सामने, यहाँ मत नेगलेक्ट करने बैठ जाना, क्योंकि यहाँ साथ में है नहीं ना कोई रेस्पेक्ट में. अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. नेगलेक्ट कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा. तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन हमारे पास आया 1.29 × 10⁻⁵ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको पता ही नहीं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वह गिवन मास ओवर मोलर मास. अब आपको वाटर का 1 लीटर दे रखा है वॉल्यूम, और मैंने आपको भी बताया था कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं. तो वाटर के केस में 1 लीटर यानी कि 1 kg इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg. तो गिवन मास में हम यानी कि इस 1 लीटर को आप लिखो 1000 ग्राम या 1000 ml. क्यों? क्योंकि मास और वॉल्यूम बराबर होता है वाटर का. तो 1000 ग्राम ओवर 88 55.5 मोल्स. तो बस पुट कर देते हैं 55.5 मोल्स. ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपका सॉल्व करके आएगा 71.6 × 10⁻⁵. और अगर आपको मिली मोल्स में निकालना है तो मिली मोल्स में निकालने के लिए हम 10⁻³ - 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.716 मिलीमोल. क्यों भाई? अगर आपको नहीं पता तो अब याद रखो कि 1 मिलीमोल जो होगा वो 10⁻³ - 3 मोल के इक्वल होगा. मिली का मतलब ही 10⁻³ होता है, ठीक है. चलिए तो इसके साथ इसको ख़त्म करते हैं. होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, चलिए, टिल देन, बाय बाय.